हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन बॉल जी। जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने जो है गाइजर इस रीजन का सेवेंथ जिम मैच ऑप्टेन कर लिया था। एंड देन गाइजर यहाँ पर हमें बिल से भी मिल रहे हैं, लियोन से हमने मुलाकात की और वो जो है यहाँ पर वन आने के लिए हमारे जाने के लिए हम तैयार तो नहीं है आज, क्योंकि गाइजर मैंने पहले ही कल ही कहा था कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं इस रीजन का एट्थ जिम मैच अर्न करूंगा एंड देन गाइजर हम चले जाएंगे यहाँ पे सीधा अपने इस यहाँ पर वन आइलैंड की तरफ। बट सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपना बिजनेस खत्म करना है, यानी कि इस रीजन का एट्थ जिम बैच ऑन करना है जो कि है होगा अरु विलेज में। एंड देखते हैं गाइजर जिम लीडर कौन होता है। गाइज यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो टीम बॉस का यहाँ पर टीम फिलहाल का बॉस ही रहना चाहिए, बट पता नहीं है गाइजर कुछ भी चेंजेस तो हो ही सकते हैं अगर देखा जाए तो। एंड देखते हैं गाइजर यहाँ पर अब आ चुके हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर जिम लीडर कौन है। यहाँ पे आरो विलेज जिम, ओके शायद कुछ भी जिम का नाम दिया नहीं है। ओके ये अपना यहाँ पर दादाजी भी हट चुके हैं। ओके तो जिम लीडर यहाँ पर फिर से आ चुका है रिटर्न। ओके हाय इधर बड़ी, यो चैम द मेकिंग पिलाफ यहाँ का बॉस है और उसकी फेमस और चोरों की गैंग भी है और उसे जो है वो आरू विलेज का जिम लीडर भी है और वो सबसे टफेस्ट जिम लीडर है सारे के सारे जिम लीडर्स को अगर मिलाया जाए तो। सो गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फाइट। हाँ यार एक सबसे पहले अल्टीमेट फाइट तो है ही हमारी, बट यार हम आज ना गाइज यार इस गेम में अपने अपने लास्ट बड़ी के साथ यार अपनी इस बड़ी के साथ आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। पता नहीं यार अभी पता नहीं मुझे फिर से अपने बड़े के साथ मुलाकात करने का वक्त तो मिलेगा भी या नहीं। तो लेट्स गो गाइज यहाँ पर अभी इस बैटल को ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं अभी कौन आता है याम का, तो शायद अभी एक यहाँ पर नेमेकियंस फाइटर्स आएंगे तो शायद ना गाइज यार यहाँ पर अभी हम अपने किया है एक न्यू मूव सीखा था आपको पता है कुछ दिनों पहले यहाँ पर गोकू ने, तो शायद ना मैं गाइज यार इसका इस्तेमाल करके इस बैटल को जीत सकता हूँ क्योंकि गाइज यार किया है एक साइकिक टाइप मूव है एंड फाइटिंग एंड साइकिक टाइप का तो आपको पता ही है मैचअप्स होता नहीं है एंड वो जो है फाइटिंग टाइप यहाँ पर हार जाते हैं साइकिक टाइप के खिलाफ। तो शायद ही यहाँ पर मैं अपने इस यहाँ पर इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, देखते हैं गाइज यार यहाँ पर अभी कैसे होता है, वर्कआउट होता है या नहीं पता नहीं। तो लेट्स गो गाइज यार यहाँ पर अभी ये भी डाउन हो गया, सो देखते हैं गाइज यार यहाँ पर अभी और कौन बचा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं बैटल्स तो नहीं करूँगा, सारे के सारे जो रेंज में आएंगे ना मेरे उनके साथ ही मैं बैटल करूँगा और बाकी जो है यहाँ पर आपको ऑफ स्क्रीन में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैं करने वाला हूँ ऑफ स्क्रीन में। तो यस ये एक लास्ट बैटल है, तो चलो यार यहाँ पर इसके साथ भी बैटल ख़त्म कर लेते हैं। ओके अभी ये कौन है, परफेक्ट सेल। चलो यार परफेक्ट सेल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा यहाँ पर फाइटर है। सो लड़कों के अंदर ये भी गया यहाँ पर। ओके यामू, ओके यामू के खिलाफ भी हम कामे हमें यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो यार ये भी डाउन हो गया। सो लेट्स गो गाइस यहाँ पर अपना बैटल भी जल्दी ही से यहाँ पर ख़त्म होने ही जाने वाला है। कामे हमें यहाँ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक और एंड दैट्स इट। अब परफेक्ट से यहाँ पर इस बैटल के लिए अच्छा होगा, बट मैं जाऊँगा सीधा यहाँ पर गोकू के साथ। मैंने जो अपनों को यहाँ पर बताई थी अपनी स्ट्रैटेजी एंड जो अपनी जो है स्ट्रैटेजी, इसलिए यहाँ पर मैं बता पाऊँगा यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मैं गोकू का इस्तेमाल करूँगा। सो लेट्स गो। तुम्हारा स्वागत है मेरी हाइड आउट में। ये तब तक होगा जब तक मैं टीम फिलाफ को आप रिस्टोर कर पाऊँ टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, बट तुमने मुझे ढूंढ लिया है सो बी इट। इस टाइम तुम फेस करोगे अगेंस्ट द पिलाफ द ग्रेटेस्ट विलन को। हियर वी गो गाइस यार, थ्रू द गेम वर्सेस द लास्ट बैटल अगेंस्ट द आरू विलेज जिम लीडर पिलाफ। यस गाइस यार आज इस रीजन का लास्ट जिम बैच एंड इस लीग का लास्ट जिम बैच हम आन करने के लिए जाने वाले हैं। तो शुरुआत की है इसने यार पिकोलो के साथ और तो मैं जाता हूँ इसके खिलाफ यार ड्रैगन रश के साथ ही, क्योंकि यार ड्रैगन रश एक बेहतर मूव होगा अगर देखा जाए तो। ओके शायद मुझे शुरू से ही यहाँ पर ड्रैगन रश के साथ चले जाना चाहिए था, वरना यार ये मकानस पापो सैपो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वन हिट में इसने डाउन कर दिया, तो शायद ये बैटल हमारे लिए एक टफेस्ट बैटल रहने वाला है गाइज। तो अभी लेकर आता हूँ मैं पिकोलो को, देखते हैं गाइज यार अभी पिकोलो वर्सेस पिकोलो देखते हैं। एक किक दे देता हूँ मैं। ओके मुझे लगा ही था कि अभी ये जेड रिंग के लिए जाएगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं जाता हूँ अभी सीधा लाइट ग्रेनेड के लिए क्योंकि यार लेवल 44 का है, लेवल 43 का है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा इस सब बैटल के लिए। ओके कॉन्सन्ट्रेट, लेट्स यूज द लाइट ग्रेनेड वंस अगेन एंड सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगेन। तो यस पिकोलो यहाँ पर डाउन हो चुका है गाइज। ओके तो गाइजर यहाँ पर अभी नेक्स्ट अप है यहाँ पर गार्लिक 2, पता नहीं गाइजर ये ओके सो गार्लिक 2 काफ़ी ज़्यादा जो है वो मड़ा दिख रहा है यार गार्लिक 2, क्योंकि यार गार्लिक 1 तो आपको पता ही है कितना छोटा सा था एंड बट यार ये गार्लिक 2 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। पिक्कोलो से भी यहाँ पर ऊंचा यहाँ पर दिख रहा है एंड मसल्स तो देखिए यार इसके गार्लिक 2 के
काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े मसल्स है। तो लेट्स गो, लेट्स यूज द लाइट ग्रेनेड ओवर हियर टू डाउन द गार्लिक 2 एंड दैट्स इट गाइस। यहाँ पर हमने गार्लिक 2 को भी यहाँ पर हरा दिया है। अभी देखते हैं, लेवल 44 पर जा चुका है हमारा पिकोलो। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर अभी किड बू अभी भी जो है यहाँ पर इसके पास 3 फाइटर्स बचे हैं। तो लेट्स यूज द ओके प्लैनेट। तो यस गाइस यार, यहाँ पर एक प्लैनेट बर्स्ट से जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे हानि पहुंच रही है। ओके सो यस, लेट्स यूज द लाइट ग्रेनेड। बट यार काफी ज्यादा जो है वो डैमेज कर ही नहीं पाया इस बार। ओके तो शायद इस बार पिकोलो जो है यहाँ पर हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। तो शायद अभी किसको लेकर आ जाए। हाफ एचपी तो इसने डाउन कर दी। ओके ड्रैगन रस से जो है यहाँ पर इसने हमारे पिकोलो को डाउन कर दिया है किडबू ने। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन है। यहाँ पर अभी C16 को लेकर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर इस बैटल को खत्म करने के लिए। सो लेट्स यूज यदि रॉकेट पंच का इस्तेमाल करेंगे। यार यार गलती से मैंने फ्लाई का दबा दिया। मुझे यहाँ पर रॉकेट पंच के साथ जाना था, स्टील टाइप मूव थी वो मेरी। बट अभी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर किड बू को फ्लाई हरा पाएगा। ओके नहीं यार, पता नहीं यार। अभी लेट्स यूज दी अगेन ओके डिस्टॉर्जन। तो गाइस यार यहाँ पर अभी देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करके तो ही अच्छा होएगा, क्योंकि गाइस यार काफी ज्यादा आज बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट हो रहा है। तो सो सॉरी फॉर दिस टुडेज वीडियो बैकग्राउंड नॉइज गाइस यार, माफ करना। शायद कल से ना आए, बट यार क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज को मैं हटा नहीं सकता। मैं एडिट तो कर सकता हूँ, बट यार मतलब कि यार मैंने जो है अपना क्रिस्पी सा वॉइस है अपने माइक के थ्रू तो निकाल दिया है, बट इस बैकग्राउंड नॉइज का मैं कुछ भी कर नहीं सकता गाइस यार। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार लोग बाहर आवाज करेंगे तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते गाइस यार, क्या ही करें अब। तो गाइस यार यहाँ पर अभी किड बू ने तो यार हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन कर ही दिया है। ओके डिस्टॉर्जन से गाइस यार हमने, चलो यार काम है, हमें ऐसे यहाँ पर किड बू को डाउन कर देते हैं। तो देखते हैं अभी इसका लास्ट सेकेंड लास्ट फाइटर ना। ओके ड्रैगन रश, तो चलो यार काम है, हमें ऐसे हमने इसे किडबू को डाउन कर दिया। काफी ज्यादा स्ट्रांग था अगर देखा जाए तो किडबू, क्योंकि यार हमारा और यहाँ पर गोकू यार फर्स्ट में ही डाउन हो गया, तो मुझे यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ी। ओके हाइरूड गान, अभी भी जो है वो 2 फाइटर्स बचे हैं इसके। तो लेट्स यूज ओके, तो परफेक्ट यहाँ पर। ओके चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी हम इस्तेमाल करते हैं काम है हमें यहाँ का वंस अगेन टू डाउन दी हाइरूड गान। देखते हैं गाइस यार लेवल 45 का है यहाँ पर। एंड अगर मैं चार्जिंग लगा देता हूँ अपने मोबाइल को, क्योंकि यार 3% ही यहाँ पर बची है अगर चार्जिंग अगर देखा जाए तो लगा ही देता हूँ यहाँ पर मैं अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरा स्विच ऑफ हो जाए मोबाइल। तो चलो यार चार्जिंग लगा दी, अभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यार जल्दी से ही यहाँ पर मैं बैटल ख़त्म करके एपिसोड को भी एंड कर दूंगा एंड फिर मोबाइल को चार्ज में ही रखूंगा। तो यस गाइस यार 2 मिनट के लिए बस मुझे मोबाइल को यहाँ पर संभाल लेना यार। 3%, चलो अभी 4% हो गई, चार्जिंग बढ़ तो जाती है मेरी यार जल्दी से, बट पता नहीं यार ये कम कितनी जल्दी हो जाती है। ओके सामने एक हाइरूड गान 2 है अगर देखा जाए तो, एंड मुझे लगता नहीं है कि हाइरूड गान 2 हमें डाउन कर पाएगा। हाइरूड गान 1 वर्सेस हाइरूड गान 2 काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होगा ये। देखते हैं गाइस यार, लेट्स यूज द अनदर क्रंच का इस्तेमाल कर देखते हैं। ओके सो क्रंच तो अफेक्ट नहीं कर पाया, सो मुझे लगता है कि फायर ब्रेथ के साथ ही जाना चाहिए। शायद हाइरूड गान 1 यहाँ पर डाउन ना कर पाए, क्योंकि यार यहाँ पर आप देख ही सकते हो फैंटम का मैंने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। ओके तो शायद मुझे पहले से ही यहाँ पर फैंटम के साथ जाना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा एक बेटर मूव रहती मेरे लिए। बट चलो यार यहाँ पर अभी एक टेल स्मैश देकर ओके माउथ ब्लास्ट, चलो यार टेल स्मैश अगर ओके तो मूव मिस तो हुआ है, बट मुझे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मेरी कूलर की जो है वो स्पीड बढ़ गई एंड कूलर ने जो है यहाँ पर गाइस यार हाइड्रोड गान 2 को यहाँ पर हरा के इस जिम लीडर को भी यहाँ पे गाइस हरा दिया है सक्सेसफुली। हाँ ये काफी ज्यादा इंटेंस फाइट थी, तुम जीत चुके हो। एज प्रूफ ये पिलाफ बैच तुम रख सकते हो। ओके सो यस गाइस यार हमें फाइनली गाइस यार पिलाफ को हरा दिया है। पिलाफ बैच तुम्हारे सारे फटर्स के यहाँ पर, तुम्हारा कितने भी लेवल्स के हो फाइटर्स, बट वो तुम्हारा आदर करेंगे और इससे जो है तुम ड्रैगन लीग में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये कंसिडर करो ये मेरी गिफ्ट फ्रॉम द ड्रैगन लीग। यस सर यहाँ पर TM27 मिल गई मुझे यहाँ पर। तो लेट्स गो यहाँ पर अभी बात करते हैं, सारे के सारे यहाँ पर मैं फैशन भूल चुका हूँ, अभी मेरे फायर फॉलोअर्स का भी इस्तेमाल देख नहीं सकता, तो शायद ये हमारी मैं तुमसे फिर मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। ओके सो यस गाइजर यहाँ पर चलते हैं सीधा, एपिसोड को भी एंड करने का वक्त आ चुका है। तो गाइजर आज के सॉलिबोर्ड में इतना ही रखते हैं, मुझे पता है कि शॉर्ट एंड सिंपल एपिसोड था, बट गाइजर आगे चलकर बड़े बड़े एपिसोड आएंगे भी। तो गाइजर मैं आपसे मिलता हूँ सीधा पोकेमोन या बॉलजी के अगले एपिसोड में कल होपफुली, एंड कल तो यार नेक्स्ट डिसम्बर भी है हमारा, इस साल का लास्ट यहाँ पर मंथ चालू होगा, तो वही पर